नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं विकास शर्मा, आप देख रहे हो एग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल। मेरे किसान भाइयों, अगर आप देश हित के अंदर और किसान हित के अंदर थोड़ा बहुत भी सोचते हो, तो जो भी आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे वह किसान भाइयों के साथ शेयर किया करो। पता नहीं मेरा एक वीडियो किसी भी किसान भाई का जीवन बदल सकता है, तो मेरे वीडियो जितना हो सके उतना शेयर किया करो किसान भाइयों के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि सब्जियों की फसल के बारे के अंदर। ये मान के चलो कि कोई भी सब्जियों का पौधा हो, और पौधे के अंदर क्या होता है कि कई प्रकार के रोग आते हैं, परंतु ये जो रोग मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादातर फसलों में आता है, सब्जियों की फसलों के अंदर। क्या होता है कि मुख्य तना के अंदर गलन चालू हो जाती है, और कई मुख्य तना सूखने लग जाता है, और कई बार क्या होता है कि पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है, हल्का हल्का पीलापन आ जाता है पत्तियों के अंदर। या फिर समस्या यह आती है कि फ्लोर सेट नहीं हो रहा है सब्जी की फसल के अंदर। ये कारण क्या हो रहा है किसान भाई के, कभी भी ये समझ में नहीं आता है। तो मेरे किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में देखने को मिलता है आप लोगों को, तो ये समझ जाया करो कि अपनी फसल के अंदर कॉपर की मात्रा बिल्कुल नहीं है, और पौधे के अंदर कॉपर के ना होने के कारण ये समस्या आ रही है। अब क्या होता है, कई किसान भाई क्या होता है कि अलग अलग कंपनियों के डिफरेंस कंपनियों के कॉपर लाते हैं, कॉपर और रेडीमेड कॉपर लाते हैं, और महंगे महंगे लाते हैं कॉपर, और सब्जियों की फसल के अंदर स्प्रे भी करते हैं, और उस कॉपर का जमीन के अंदर भी सिंचाई करते हैं, पानी मिला के और फिर सिंचाई करते हैं ड्रिप के माध्यम से या खुले पानी के अंदर, जैसा भी हो। अब किसान भाइयों, क्या होता है कि किसान का बजट बढ़ जाता है, और जो बाज़ार से जो कॉपर जो कंपनियां बेच रही है उसमें उसके अंदर कॉपर की मात्रा ना के बराबर आती है, बहुत ही कम मात्रा आती है कॉपर की, और कम मात्रा तो आती है परंतु ताज्जुब ये करोगे आप कि वो महंगा भी पड़ता है। कितनी बार किसान भाई कितना खरीदेगा बाज़ार से कॉपर कंपनियों से। तो ऐसा ही मैं आप लोगों को एक विकल्प बता रहा हूँ कि पौधे के अंदर कॉपर की मात्रा किस प्रकार आप दे सकते हो, और ये कॉपर भी ऑर्गेनिक रहेगा। बाज़ार का कॉपर तो फिर भी थोड़ा रासायनिक क्वालिटी का आता है, तो रासायनिक सब्जियों पे नुकसान, रासायनिक प्रक्रिया वाला जो कॉपर होता है वो सब्जियों के अंदर नुकसान करता है। मतलब वो जो बाज़ार के अंदर जो कॉपर मिलता है वो क्या है कि रासायनिक प्रक्रिया से उसका निर्माण होता है उस कॉपर का, और वही कॉपर किसान भाई क्या है सब्जी की फसल में देते हैं, तो वो कम काम करता है। और आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ये कॉपर की मात्रा इस पदार्थ के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। अब आप देखोगे मेरे किसान भाइयों, नीला थोता, इस प्रकार से ये नीला थोता आता है, मैंने प्लेट में भर लिया है आपको दिखाने के लिए। ये चीनी जैसे दाना आते हैं इसके अंदर, नीला थोते के अंदर चीनी जैसा दाना आता है, और कई बार क्या होता है नीला थोते का डला भी आता है, इस प्रकार से भी आता है। अगर इस प्रकार से आता है तो इसको फोड़ लीजिए आप, आराम से फोड़ के और इस तरह का बुरादा कर लीजिए आप, ये देख लीजिए। और इस तरह का बुरादा करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, जो हैंड मशीन आती है, हैंड मशीन स्प्रे करने वाली हैंड मशीन आती है ना, उस हैंड मशीन में मेरे किसान भाइयों आपको इस तरह का ये नीला थोता है ये 15 लीटर के अंदर 100 ग्राम डालना है, 100 ग्राम आप 150 ग्राम भी डाल सकते हो, 100 से कम नहीं डालना है और 150 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालना है। तो 15 लीटर पानी के अंदर 100 से 150 ग्राम ये नीला थोथा डालकर आप किसी भी प्रकार की सब्जी हो आपके खेत के अंदर मेरे किसान भाइयों आप स्प्रे करें, और ये स्प्रे महीने के अंदर 2 बार करें। अब स्प्रे करने से क्या होगा, एक तो ये जो फंगिसाइड होता है तो उस रोग को भी ख़त्म करता है, और छोटे मोटे जो कीट पतंगे होते हैं तो वो भी ये ख़त्म कर देगा, और पौधे को कॉपर की मात्रा पत्तों के माध्यम से मिलेगी। तो पत्ते क्या है कि खुले खुले रहेंगे पत्ते आराम से, और फ्लोर सेट रहेगा, बिल्कुल शानदार रहेगा, और पौधे के अंदर तरोताजगी देखने को आपको मिलेगी। तो पहले तो आप ये इसका स्प्रे कर सकते हो
हैंड मशीन होती है 15 लीटर वाली, तो 15 लीटर के अंदर आप आराम से 100 से 150 ग्राम ये नीला थोता मिलाइए और नीला थोता मिला के आप इसका स्प्रे करें। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉपर की मात्रा पाई जाती है। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि इसी नीले थोते को अगर आप ये मान के चलो कि एक बीघा पक्की जमीन के अंदर हमारे इधर राजस्थान के अंदर ये मान के चलो कि 3200 वर्ग गज ज़मीन होती है, तो एक बीघा पक्की ज़मीन के अंदर दो केजी नीला थोता आप एक ड्रम लीजिए 200 लीटर का पानी का, 200 लीटर का पानी का बड़ा ड्रम ले लीजिए प्लास्टिक का, उसके अंदर आप 2 केजी नीला थोता डाल के और हिला लीजिए, और हिलाने के बाद में 2 केजी नीला थोता हिलाने के बाद के अंदर ड्रिप के माध्यम से चलने दो आप सिंचाई करो, या फिर खुला पानी से आप सिंचाई करते हो तो खुले पानी से आप सिंचाई चलने दो आप, तो ये भी आपको महीने के अंदर 2 बार नीले थोते का मिश्रण से आप कॉपर तैयार करके और पौधे के अंदर जड़ों के अंदर सिंचाई कर सकते हो। महीने में 2 बार देना है किसान भाइयों जड़ के अंदर, कभी पौधा आपका बीमारी नहीं होगा। और 2 बार ही इसका मैंने जो स्प्रे बताया था 15 लीटर के अंदर 100 से 150 ग्राम नीला थोता मिला के स्प्रे करने का, तो महीने के अंदर 2 बार वो स्प्रे कर देना और 2 बार ये जड़ के अंदर सिंचाई कर देना। तो 1 बीघा पक्की ज़मीन के अंदर ये मान के चलो 2 केजी लगेगा। अगर 19-20 ज़्यादा कमती भी हो जाता है तो घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक विकल्प है कॉपर की मात्रा पौधे को देने का। मेरे किसान भाइयों ये रेट के अंदर भी बहुत ही सस्ता पड़ता है, और इसके अंदर नीले थोते के अंदर जितना कॉपर पाया जाता है उतना किसी चीज़ के अंदर पाया जाता ही नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। इसको अलग अलग जगह इसको तूतिया के नाम से भी जाना जाता है, और ये बहुत ही फसलों के अंदर वरदान साबित हुआ है नीला थोता। और इस एक और बताता हूँ, थोड़ा बहुत अगर इसके अंदर आप पानी भर लीजिए, और पानी भरने के बाद में हमने ऑलरेडी पानी भरा है गिलास के अंदर, देख लीजिए आप इस तरह का ये पानी हो जाएगा, और इसी के अंदर मेरे किसान भाइयों आप आधे गिलास के अंदर ये मांग चलो 2 चम्मच फुल भर के और पानी में डाल दोगे आप, और इसको हिला देना है, फिर आपको हिलाना है। अब हिलाने के बाद में इसमें कोई भी आप ये मान के चलो कि लोहे की वस्तु डाल देना आप, यह करीबन ये वस्तु आधे घंटे तक इसमें डाल के रखना। जैसे हमने एक सुइया था, बोरी जो सीते हैं टाँके लगाते हैं बोरी के, तो ये सुइया था, तो ये सुइया कम से कम ये 10 मिनट ही डाला है अभी इसमें, ऑलरेडी हमें 10-15 मिनट हो गए इसको डाले हुए। इसका कॉपर का कलर देखिए आप, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, और इस लोहे की वस्तु के ऊपर ये देख लीजिए कॉपर की मात्रा, एक कॉपर की परत चढ़ गई है, ये देख लीजिए आप, और ये 10-15 मिनट ही हुई है। तो आप ये जो कॉपर की मात्रा आ रही है, देखिए कॉपर जैसा कलर हो गया है थोड़ा ये, तो इसका ये प्रमाण है कि इसके अंदर कॉपर की मात्रा कितनी है, ये देख लीजिए आप, बिल्कुल ही बहुत शानदार ये विकल्प है मेरे किसान भाइयों। आपको भारत के अंदर ये टॉनिक आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये विधि आपको कोई भी नहीं बताएगा। पौधे के अंदर कॉपर की मात्रा देना बहुत ही ज़रूरी है, और आप कॉपर की मात्रा अच्छी तरह दोगे पौधे के अंदर तो बहुत ज़्यादा आप प्रोडक्शन लोगे, और आपका पौधा भी बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, कभी तना नहीं गलेगा, कभी तना सूखेगा नहीं, फ्लोर बहुत अच्छा आएगा। तो मेरे किसान भाइयों ये जो विकल्प बताया है ये बहुत ही काम का विकल्प है, और इस विकल्प पे आप चलिए। कॉपर की मात्रा पे हमेशा ध्यान देना है आपको, ऐसे ही वीडियो बड़ा हो जाएगा, और भी कई प्रकार से कॉपर पौधे में दिया जा सकता है, तो और भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो देश हित के अंदर और किसान हित के अंदर थोड़ा बहुत भी सोचते हो तो मेरे इस वीडियो को इतना वायरल करो किसान भाइयों के साथ कि उनको फ्री के अंदर बहुत कम लागत के अंदर एक अच्छा कॉपर की मात्रा बनाना सीखे वो, और अपने फसलों में देखे अपना भविष्य सुधारें। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।